Good morning, children. Good morning. Good morning, everybody. Okay, children. आपको बहुत दिनों से मैं क्लास नहीं दी है ना आपको, क्योंकि मेरा लेसन तो हो गया, अभी दो की तीन की है, इसलिए मैं बहुत लॉन्ग टाइम ले गई हूँ. ओके चिल्ड्रंस, करके क्लास आपको बोल गए हैं क्या? नहीं ना, नहीं बोले. हम पिकनिक गए थे ना, कौन कौन गए थे? रैबिट, फॉग, छुआ और कौन कौन किए थे? अकेले फ्रॉग. ये चार मिलकर हम नाव बनाकर चले. ओके, पिकनिक जाने के बाद हम बातचीत करने करते रहना है ना. ये बातचीत करने के लिए हम हिंदी में तो वर्णमाला सीखे हैं, वर्णमाला सीखते सीखते हम शब्द रचना भी सीखे हैं, क्योंकि अक्षर अक्षर जोड़कर हम शब्द बनाने का सीखे हैं. और चलो आज हम ये चित्र देखते साथ ही, चीज वस्तु देखते साथ ही, एक फ्लेस देखते साथ ही हम कैसे वाक्य बनाना है, ये शब्दों के साथ ही होता है. अब वो शब्द ऑलरेडी आपको आ गया है, इसलिए हम आपको वाक्य रचना सीखे हैं. लेकिन ये चित्र देखते देखते हम कैसे वाक्य रचना करेंगे? चलो हम आज वाक्य रचना, जैसे वाक्य रचना, वाक्य रचना चित्र के साथ वाक्य रचना, वाक्य रचना. वाक्य हम क्यों कैसे बन सकते हैं? वाक्य हम चित्र देखते साथ कैसे वाक्य बनता है? चित्र देखो और वाक्य बनाओ. चित्र देखो, ये वाक्य बनाओ. वाक्य बना देखेंगे. अब कितने रोज से आपको एक क्वेश्चन बहुत पता है ना, सिंगल फ्लू. अब तीन फ्लावर से हम कौन सी फ्लावर है? तीन गुलाब के फ्लावर है. गुलाब के फ्लावर देखकर हम क्या लिखते हैं? गुलाब. ओके, आपको पता लगा है गुलाब. नेक्स्ट क्या है? गुलाब के फूल सुंदर है ना, सुंदर है. चलो अब क्या देखेंगे? अब ये है प्रकृति. क्या? प्रकृति एनवायरमेंट है. ये प्रकृति कैसे है? यहाँ सूरज है, यहाँ हिल्स है, पहाड़ है, ये झाड़ है, ये छोटा सा नदी वाला है. हम क्या करते हैं? सवेरे का सूरज आया है. एक वाक्य बन गया है. देखो सवेरे सूरज आया है, हम सबको क्या उजाला दिखा रहा है. ओके, नेक्स्ट ये कौन सी है? स्पैरो है. स्पैरो को क्या कहते हैं? चिड़िया. चिड़िया आसमान में, ओके आसमान में उड़ते हैं ना, आसमान में उड़ रहे हैं. है ना, ये भी प्लूरल है. क्या कर रहे हैं? आसमान में उड़ रहे हैं. फ्रॉग क्या कर रहा है? देखिए ये क्या है? फ्रॉग क्या? मेंढक. मेंढक क्या कर रहा है? हमको देख रहा है ना. मेंढक कूदने के लिए, उछलने के लिए बैठा है. हाँ, उछल रहा है. ओके, हमें देर से वाक्य लिखने से सकता है. क्या? मेंढक देख रहा है, मेंढक बैठा है, मेंढक कुछ उछल रहा है, मेंढक पानी में गिर रहा है. देर से हम ना वाक्य लिखते, ये क्या है?
मुर्गा कॉक, मुर्गा क्या कर रहा है, मुर्गा बड़ा है, मुर्गा बड़ा है, देखे तो बड़ा है ना, ये देखो आपको ये याद रखना है चिल्ड्रंस, छोटे छोटे शब्दों के साथ ही वाक्य बन रहा है, देखो मुर्गा बड़ा है, बड़ा है ना मुर्गा, ये खूब रहा है, देखो चार वाक्य लिखे जा सकते हैं, मुर्गा वहां पर पड़ा है, मुर्गा बड़ा है, मुर्गा सुंदर है, मुर्गा कूक रहा है, और क्या आवाज कर रहा है, उसका सही रूप बुला रहा है, देख सके वाक्य लिखे जा सकते, जैसे ये नदी, हाँ नदी ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಮೋಡ
ಎಷ್ಟೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ರಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಚಿತ್ರ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ವಾಕ್ಯಗಳು ಬರುತ್ತವೋ ಅಷ್ಟು ಪದಗಳನ್ನ ನೀಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಚಿತ್ರ ನೋಡಿದಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಮೂರು ಪದಗಳಿರೋ ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ವಾಕ್ಯ ಮೂರು ವಾಕ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪದಗಳನ್ನು ವಾಕ್ಯ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ನಾನು ತುಂಬಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.